करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पंचायत भवन में 1,80,00,000 रुपए की लागत से बने रेलवे अंडरपास का उद्घाटन किया। अंबाला रेलवे ट्रैक पर घोगड़ीपुर रेलवे उपरगामी पुल के नजदीक बनाए गए अंडरपास का भी उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत भवन में खुले दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। पंचायत भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़े ही ध्यान से लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास 200 से अधिक शिकायतें आई थी, जिसमें से मुख्यमंत्री ने 150 से अधिक शिकायतें सुनी। ज्यादातर शिकायतों का मुख्यमंत्री ने मौके पर निपटारा कर दिया। अन्य शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द शिकायतों के निपटारे के आदेश दिए। विपक्ष द्वारा मंडियों में हुए धान घोटाले के आरोप पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, जो भी होगा जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। के बाद आज ये इस प्रकार का दरबार लगा है। 200 से ऊपर शिकायतें थी, जिसमें से लगभग 150-250 के बीच में तो सीधी सीधी सुनी गई है। कुछ लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दे दी है और हमने सबको विश्वास दिलाया कि सबकी जो ग्रीवेंसीज हैं, जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर जो एक्शन है कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अच्छे नतीजे नहीं आने पर पिछले दिनों गुरुग्राम में बीजेपी के चिंतन मंथन कार्यक्रम पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में बड़ा मंथन होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात का संतोष है कि हमने चुनाव जीतकर दोबारा सरकार बनाई है। पिछले 14 चुनाव में 12 बार हरियाणा में कोई भी सरकार दोबारा नहीं बनी। 2009 और 2019 में सरकार वापस आई। 2009 में कांग्रेस को वोट कटा था, लेकिन यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें भले ही हमारी सीटें कम आई हो, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। चुनाव होता है तो चुनाव के बाद निश्चित रूप से हर बात का विचार किया जाता है, और जो भी पार्टी की ओर से फीडबैक आया उसमें इतना ही है कि आगे उन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। और जब लोकतंत्र में इस प्रकार का बड़ा यह मंथन होता है तो इस प्रकार के विषय सामान्यतः आए ही करते हैं, और मुझे तो इस बात की का संतोष है कि हम दोबारा से जीत करके हमने सरकार बनाई है। पिछले 14 चुनाव में हरियाणा में 12 बार सरकार रिपीट नहीं हुई, 2 बार सरकार रिपीट हुई है, एक बार 2009 में और एक बार अब 2019 में। 9 में 67 से 40 सीटों पर आ गए थे, हम 47 से 40 पर आए हैं। परसेंटेज वाइज देखें तो सफलता का रेट ये ज़्यादा है। अंबाला रेलवे ट्रैक पर घोगड़ीपुर रेलवे उपरगामी पुल के नज़दीक बनाए गए अंडरपास से लोगों को काफी राहत मिलेगी। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत भवन में खुले दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत निपटारा किया। विकास महला, टोटल न्यूज़, करनाल।